இருக்கின்றார் மகான். तुमने मेरे कायदे प्लस कानून की लिस्ट क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ी थी सर। झूठ बोलते हो तुम। पढ़ी होती तो तुम्हें तेरा नंबर कानून अच्छी तरह याद होता। क्या है शर्ट बाहर क्यों तुम्हारा? बाहर क्यों? हिले क्यों तुम? अटेंशन में हिले क्यों तुम? नहीं सर वो लगता तुमने मेरा कायदा नंबर 10 नहीं पढ़ा। ओ भाई तू ये कपड़े क्यों प्रेस कर रहा है? मैं कल सुबह बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? अरे ये मत पूछ यार। यार तुम लोग ये जाने वाने की बातें मत करो। मेजर साहब के कायदे कानून तोड़ने का मतलब समझते हो तुम लोग? सब समझता हूँ। क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा फांसी पे चढ़ा देंगे ना? हाँ भले चढ़ा दें, लेकिन कल सुबह मुझे यहाँ से जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मगर तुम लोग जागा रहे हो होटल प्लाजा के रूम नंबर 203 में। वहाँ क्या है भाई? वहाँ पर श्री देवी आई हुई है। हाँ उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। 203 अभी कहाँ भेज दिया उस बुड्ढे को? क्या वाकई श्री देवी आई है? श्री देवी नहीं, देवा आया हुआ है। देवा? हाँ मशहूर बॉक्सर देवा। नई नई शादी करके हनीमून मनाने आया है। अब देखना रूम नंबर 203 में कम से कम 203 जूते पड़ेंगे। ऐसे चोरी छुपे अंदर आने की क्या जरूरत है डार्लिंग? ये तुम्हारा अपना ही कमरा है, मैं खुद भी तो तुम्हारी हूँ। आप इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ ना बैठो मेरे पास। तुमने कितनी देर लगा दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और नहीं तो क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सारी जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे? बिल्कुल। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें प्यार करना ही रह गया है। शायद तुम जानती नहीं मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूं। यही नहीं मैं तुम्हारी हर फिल्म 10-10 बार देखता हूं। तुम्हारी कसम श्री देवी, लेकिन जब कोई हीरो तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या अमिताभ बच्चन, और वो विलेन अमरीश पुरी, वो जब तुमसे जबरदस्ती करता है तो मेरा दिल करता है कि मिलिट्री की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूं। लोग तो इश्क में सिर्फ अपना दिल ही देते हैं, मगर मैंने तो इश्क में अपने खानदान की इज्जत उतार कर तुम्हारे सामने रख दी है। ये देखो, आप के अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू? आराम से बुलबुल, नाजुक कलाई है तुम्हारी, मुड़ जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ। पहले मेरा सामान उठाओ। सामान उठाए मेरी जूती। तो फिर ऐसे ही खड़ी रहो और देखती जाओ किस तरह एक एक करके तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे सामने से गुजरती है। मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो वरना पापा से कहेगी थाने की हवा खिला दूंगी। कौन से थाने में हवालदार है आपके पापा? हवलदार नहीं कमिश्नर है। कमिश्नर? कमिश्नर हो या गवर्नर, एक बार हम किसी का हाथ थाम लें तो आसानी से नहीं छोड़ते। अरे दोस्तों बोलो कौन सा गाना था वो यारो? पकड़ेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा जरूर जरूर तोड़ेंगे। चलो उठा। अपने बाप का नौकर समझ के रखा है क्या? अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा।
तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ। हाय, यही तो मुसीबत है जाने मन, कि तुम खुद भी नहीं जानती कि तुम क्या चीज हो। करो, खाना अच्छा बना है। थैंक यू सर। कैसे अच्छा नहीं लगेगा सर, मसाला कूट कूट के अभी तक हमारे हाथ जल रहे हैं। अभी तो सिर्फ हाथ जले, आगे शायद। मैं समझ गया सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं अभी आता हूँ। खाना छोड़कर जाने का मतलब कानून नंबर 30 तोड़ना, उसकी सजा जानते हो तुम? सर आप जो सजा देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन इस बार मैं नहीं रुक सकता। स्टॉप इट। खाने में क्या मिलाया? ये मिलाया है, इन्हीं चारों ने खाने में कुछ गड़बड़ की है। ये देखिए सर, जुलाब की गोलियां। जुलाब? सर, सर हमें हमारी नई सजा तो सुनाते जाइए। जाने दे जाने दे जाने जाने दे जाने दे जाने दे जाने जाने दे मिलने का मजा जरा आने दे, हाय मिलने का मजा जरा आने दे। मैं एक शोला हूँ, मैं एक बिजली हूँ, मैं एक शोला हूँ, मैं एक बिजली हूँ। कल तेरी बारी थी, आज मेरी बारी है, छोड़ूंगी मैं ना तुझे। जाने दे जाने दे जाने जाने दे, कोई फायदा हुआ या अभी तक आ रहा है? ये रोइनों के ख्वाब देखने बंद हुए? बंद कर दिए, बंद कर दिए, बल्कि एक नई जगह टांका फिटू है। अरे वाह, तेरा दुरुस्त है। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। लेकिन ये नहीं बताया तुम्हें अचानक यहाँ कैसे आ गए कमिश्नर? अरे यार, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और कल से इसके हॉस्टल की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इसलिए से लेने चला आया। हैप्पी बर्थडे, तुमने बताया नहीं कि तुम कमिश्नर की बेटी हो। हा? अरे सर, आपने भी इन्हें बताया नहीं होगा कि आप कमिश्नर साहब के दोस्त हैं। गुड वन। अच्छा मेजर, शाम को मैं एक पार्टी दे रहा हूँ। ओके, तुम जरूर आना। हम अपने स्टूडेंट्स को भी लेते आना। क्या कमिश्नर? थैंक यू, थैंक यू सर। बाय लागो अंकल। अरे बाली, तुम यहाँ? अंकल, आप ही ने तो मेजर साहब से कहा था कि सारे स्टूडेंट्स को लेकर आना। हाँ मतलब तुम एनसीसी कैंप अंकल। दिव्या। हाँ जी। बेटी, तुम बाली से मिली हो? जी, एक दो बार मुलाकात हो चुकी है। अपने काली बाबू है ना, उनके छोटे भाई हैं। हैप्पी बर्थडे दिव्या। थैंक यू। चलो बेटी, केक काटो। एक्सक्यूज मी। आने में थोड़ी देर कर दी ना मैंने, जानबूझकर देर से आया। मैं देखना चाहता था कि मेरे गैर हाजिरी में तुम्हारे चेहरे की रंगत कितनी बार बदल गई। एक बात पूछूं? पूछो। तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? भला आपने मुझे अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, तुमने कभी बंदर देखा है? मैंने कभी बंदर तो नहीं देखा है, मगर बंदरिया मैं। दिव्या बेटी, आओ केक काटो। यस डैडी। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मेरी इज्जत। कौन है वो? एक बार मुझे उसका नाम बता दो, कौन है वो? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन आपको उसकी शक्ल बता सकती हूँ।
वो शैतान। ये क्या बोले तुम? ये क्या बोल रहे सर? ये झूठ बोल रही है सर, मैं कसम खा के बोलता हूँ झूठ बोल रही है। ये मुझे फंसाने की साजिश है सर। हरा हराम खोर सर, ये झूठ बोल रही है सर। कपट। अरे लड़कों में से सिर्फ तुझ पर उंगली उठी है और कोई भी शरीफ लड़की अपनी बेइज्जती करके किसी दूसरे पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। आज तक मैं तेरी सारी शरारतें तेरी सारी मस्तियों को बचपना समझकर माफ करता रहा, लेकिन आज तूने वो कानून तोड़ा जो मेरी लिस्ट में नहीं था और आज तुझे मैं वो सजा दूंगा जो मेरी लिस्ट में नहीं है। साले ये ऐसे नहीं बोलेगा मेजर, इसे पुलिस के हवाले कर दो, अपने आप इसकी जुबान खुल जाएगी। नहीं कमिश्नर, इसमें मेरी और मेरे कैंप की बदनामी होगी, इसे सजा जरूर मिलेगी। और इसकी सजा यह है कि आज के बाद ना तो कहीं ये पढ़ पाएगा और ना नौकरी कर पाएगा। और इसके कैरेक्टर का मैं वो सर्टिफिकेट बनाऊंगा कि अपने आप से छुपता फिरेगा। आज पहली बार मेरे दिल ने फैसला किया था करण। अच्छा हो जाए तुमने हरकत कर दी, वरना मुझे सारी जिंदगी अपने फैसले पर पछताना पड़ता। सर आप? हाँ मैं, जिसने पहली बार आज धोखा खाया है, जिसने पहली बार तेरे किए की सजा एक मासूम को दी है, जिसने पहली बार इन हाथों से किसी निर्दोष की चमड़ी उधेड़ी है, आरामखोर मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा कोई स्टूडेंट कमीनेपन की हद तक गिर सकता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, तुझे तो मैं जूतों से मारूंगा। ए मेजर, मैं कर नहीं हूं जो तुम्हारी मार खाऊंगा। बस बस, हर चांटे के बदले 100 जख्म बना दूंगा तेरे जिस्म पर। करण, मैं जानता हूं मैं कायदे प्लस कानून का बड़ा सख्त आदमी हूं, लेकिन आज मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तोड़ दे मेरे सारे कायदे प्लस कानून और सिखा दे इस हरामजादे को कि डिसिप्लिन प्लस इंसानियत क्या होती है। मार! मुन्ना क्या हुआ? करण भैया, वो रमा दीदी नीचे। रमा, रमा क्या हुआ बेटी? रो मत बेटी, कुछ तो बोल। रमा क्या हुआ? बोल ना बेटी। रमा, रमा क्या हुआ? बोल बेटी। रमा क्या हुआ बता मुझको, किस तरह अंदर तेरे साथ प्यार करती? तूने मेरी लाचार बहन को हाथ लगाया। अरे अगर मौत का बच्चा तो मेरे सामने आज साल है। रामजादे, हमरे भाई के खूबसूरत चेहरे पे बदसूरत निशान बनाया तूने, कुत्ते की तरह पीटा उसको। ये जब छोटा सा था ना, स्कूल में मास्टर ने इसको थप्पड़ मारा था, हमने लठ मार के मास्टर का सर खोल दिया था, और तूने हमरे मुन्ना पर हाथ उठाया हमारे भाई पे। है?
गिरफ्तार कर लो इस हरामजादे को इंस्पेक्टर, इसने हमारे आदमी का खून किया है। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है। इस आदमी को खून मरा नहीं, इसने किया है। इस बात का सबूत इसके हाथों में ये रिवॉल्वर। इस सबूत के जरिए आप इसको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। ये क्या कर रहे हो आप? इसकी उंगलियों के निशान को मिटा रहे हैं? इनकी उंगलियों के निशान नहीं मिटाएंगे तो उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आएंगे? कानून का फैसला मेरे भाई ने माना होगा, मैंने नहीं। जेल जाने से पहले एक आखिरी मुलाकात बहुत जरूरी थी, वरना अंदर तू तड़पता रहता और बाहर मैं। याद है हा? याद है किस तरह ये हाथ बरसते थे मेरे चेहरे पर? हा? याद है तुझे? मजा आएगा, घाव पर घाव लगाने का मजा ही कुछ और है। ज़ादे, तेरे जख्म को मैं अब नासूर बना दूंगा। होना चाहिए था ना, मगर ये आप ही के कुत्तों की मेहरबानी है जो मैं बाहर हूं। देख लो कमिश्नर, अपनी आंखों से कानून की नाइंसाफी देख लो। एक तरफ तुम्हारा कानून मेरे पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो काली शंकर के कुत्ते। बकवास बंद कर। नहीं कमिश्नर, नहीं। जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल न कर लूं, किसी के हाथ नहीं आऊंगा, किसी के नहीं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? कमिश्नर साहब, बाजार में बैठे तवायफ और आपके कानून के रखवालों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि वो अपना जिस्म बेचती है और ये अपना ईमान। आज तक तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मगर मैं बेगुनाह हूँ ये साबित करने के लिए आज पहली बार एक गुनाह करने जा रहा हूँ। अपने साथ आपकी इस लाडली को लिए जा रहा हूँ। Thank you.
माफ नहीं कर सकते करण। तुमने कसूर ही क्या किया है जो मैं माफ कर दूं तुम्हें? कसूर मैंने किया है तुम्हें ना पहचाने का। पहचानने में बहुत देर कर दी दिव्या, अब मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। चाबी मैं तुम्हें दे चुका हूँ, गाड़ी तुम्हारे पास है, चली जाओ ऐसे। नहीं, मैं यहाँ आई तो तुम्हारी मर्जी से थी, मगर अब जाऊंगी अपनी मर्जी से। चाहत और प्यार का जो सपना तुम मुझ में जगाने की कोशिश कर रही हो, उन सपनों को मैं अपने हाथों से तोड़ चुका दिव्या। पागल लड़का जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा करता था, आज हालात ने उसे कावारा मुजरे बना दिया है। उस लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, चले जाओ ऐसे। डिपार्टमेंट के सामने मेरा सर शक से झुक गया। जी चाहता है कि अपने हाथों से तेरा गला घोट दूं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो क्या गया आपको? पागल तो नहीं हो गए आप? पागल मैं नहीं, पागल तुम्हारी ये लाडली हो गई है जो इश्क करने लग गई, और जानती हो किससे? जो इसे उठा कर ले गया था। हफ्ते भर में ना जाने उस कमीने ने इसके दिल में क्या जगह बना ली कि उसके लिए ये पूरी दुनिया टकरा सकती है। शादा, आज मेरी अपनी बेटी ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी, वरना वो कमीना मुजरिम आज पुलिस के शिकंजे में होता। वो मुजरिम नहीं है बाबा, मासूम है, निर्दोष है, जिसके पीछे आपकी पुलिस रात दिन कुत्तों की तरह लगी हुई है। बकवास बंद करो, एक खूनी का साथ देने की सजा जानती हो? ये लीजिए, पहना दीजिए हथकड़ियां मेरे हाथों में, डाल दीजिए मुझे जेल में, मगर इतना याद रखिएगा पापा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, जुल्म और झूठ के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाऊंगी। मैंने खूनी से नहीं बल्कि सच्चाई से अपना नाता जोड़ा है, और अपने जीते जी इस नाते को कभी टूटने नहीं दूंगी। तिवारी, तिवारी, क्या बात है बालिश? महादेव, करण वो हरामजादा है, वो मुझे जान से मार डालेगा, तुम लोग जाओ उसे पकड़ो, जाओ। मत करो बालिश साहब, हम ले। हम काली बाबू बोल रहे हो, कुछ पता चला हमरे मुन्ना का? तुम्हारा मुन्ना इस वक्त डोगरी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है। कौन? वही जिसकी मुट्ठी खुलाने का बहुत शौक था तुम्हें। तुमने मेरी मुट्ठी तो खुलवा दी काली, मगर इस मुट्ठी में अब तुम्हारे मुन्ना की जान आ गई है। सुन हरामजादा, सोच समझ कर गाली दे काली, क्योंकि जितनी ज्यादा गाली गुफ्तार से तू बात करेगा उतनी तकलीफ से मरेगा तेरा भाई। सुन अपने भाई की चीखें। साले जी, हमें भी हो क्या रहा है? साले जी, वो खा रहा है, वो हमारे मुन्ना को कुत्ते के साथ पीटा है। गाली करो। घाव पर घाव देने का मजा ही कुछ और होता है ना? हाँ? तेरे इस घाव को नासूर बना दूंगा। ये
दिया तूने? है? अरे वाली को कुछ हो गया तो काली तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। महादेव अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं महादेव? एक काम कर, काली यहाँ आ जाए उससे पहले भाग यहाँ से। मैं जाऊं? हाँ वो आ गया तो मैं संभालूंगा, लेकिन तू यहाँ से भाग। संभालोगे महादेव? पहले तो ये बस कहाँ जाएगी? नर्क में। ड्राइवर गाड़ी रुको ड्राइवर। अब तो ये गाड़ी वहीं रुकेगी जहां इसे रुकना चाहिए। कमिश्नर साहब, ये है मेरी बेगुनाही का सबूत। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। करने दोष है सर। उसे काली ने फंसाया था मेरे और महादेव के जरिए। हराम खोर, बदनाम कर दिया तूने आज पुलिस का नाम, बेच दिया इस वर्दी को अपने स्वार्थ के लिए। लाना था तुझे से पुलिस वाले पर। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो इसे। कल सुबह से अदालत में अपने दिए गए बयान का एक एक लफ्ज दोहराना है। कमिश्नर साहब का हाल है? कोर्ट में जा रहे हो? वो भी है छोटा छोटा मुजरिम को लेके। असली बड़ा मुजरिम तो हम है। हमको कोर्ट नहीं ले जाइएगा क्या, ताकि तुम्हारा कोर्ट हमको फांसी का सजा दे सके? फिक्र ना कर काली, तेरी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। ख्वाहिश तो आज सिर्फ हमारा पूरा होगा। लाठी मेजर आई एम लाठी की लाठी, ना टूटेगी ना कटेगी, सिर्फ पड़ेगी। ना 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 ना। काली बहुत साल बाद मैंने आज हाथों में हथियार उठाया है, इसलिए कि अब जंग शुरू हो गई है। 20 साल बाद मेजर लाठी ग्राउंड में उतरा है। 20 साल पहले 5 सितंबर 1971 को उतरा था और दुश्मनों के छक्के छूट गए थे। लेकिन तुम लोग तो पहले से छक्के हो, तुम्हारा क्या छूटेगा मुझे नहीं मालूम। अबे ओ जोकर वाह, किसका छक्का छूटेगा ये हमको अच्छी तरह मालूम है। जंग का बहुत शौक है तुमको तो ये देखो फौज हमारी, देखो। ये है फौज तुम्हार, हमार फौज नहीं देखा तुम? ये देखो।
छोड़ दो इसे। नहीं कमिश्नर साहब, नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। नहीं कमिश्नर साहब, नहीं छोड़ दो इसे। बल्कि आज तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई। लीव इट, आई से लीव इट। टेक इट अवे। Lottie?